बसिरा रहीकुम आप देख रहे हैं डी डी पी एनालिटिका आज ए पी एस का वाक़ जो कि दो हज़ार चौदह में हुआ था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए प्राइम मिनिस्टर को अदालत में हाज़िर होने के लिए कहा जो कि वहाँ गए वो इसके बारे में कि वहाँ पर क्या हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और होना क्या चाहिए था इस पे तो बात मैं अगली वीडियो में करूंगा लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इसमें नोटिस लिया और जिस तरह के रिमार्क्स दिए जिस तरह के सवाल जवाब हुए उनके बारे में जो सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान उठा मैं उस पर बात करना चाहता हूँ और कुछ सवालात जो आम की तरफ से पूछे गए सोशल मीडिया पे मुझे भी वो भेजे गए तो उन सवालत को मैं सामने रखना चाहता हूँ ताकि कुछ अंदाज़ा हो कि जो कुछ हम बात कर रहे हैं अदालतों में या जजेस जो कुछ कहते हैं क्या वाकई सब कुछ वो दुरुस्त होता है और जो कुछ कहा जाता है वो वाकई इन गुड फेथ है या अगर इन गुड फेथ है तो हम क्यों केयरलेसली या उतनी बेहतियाती से ये बातें करते हैं सो तो इस वजह से एक जायजे की शक्ल में इससे ऑनरेबल जजेस की कोई उनकी बेत तो, बेतौकी करने की या उनके कोई हद तक करने की कोई इसमें बात नहीं वो ऑनरेबल हैं हमारे लिए भी मोतबर हैं बिल्कुल बाइज़त है हमारे लिए काबिल तज़ीम हैं लेकिन चूंकि बातें हुई हैं तो उन पर अखबार में भी ये बातें आईं सो तो हम उस पर ज़िक्र करेंगे पहली बात तो किसी ने ये पूछी उन्होंने कहा जी क्या ये हमारे जो जजेज़ हैं ऑनरेबल जजेस ये क्या जो रिमार्क चाहें ये पास कर सकते हैं बग़ैर उसका बेशक उस चीज़ से जो वक्त वो सुन रहे हैं उससे ताल्लुक़ हो या ना हो सवाल या उसके ऊपर कोई रिमार्क दे देना क्या वाकई ये दुरुस्त है या वो तफरी तबाह के लिए ये रिमार्कस दिए जाते हैं दूसरा कमेंट मौजूद है कि ऑन टेरर जो हुई उस वक्त जो फ़ैसला किया गया वो पाकिस्तान की उस वक्त की लीडरशिप ने किया और ये उनकी चॉइस नहीं थी ऑन टेरर एक तरह से मुसलत हुई और वो उस ज़माने में या आज के दौर में भी जो वाद सुपर पावर थी वो बेफरी हुई थी और उन्होंने अंडर यूनाइटेड नेशन अथॉरिटी पूरी दुनिया उनके साथ थी कि ये जो अमेरिका में वाक़ हुआ है उसमें चाइना भी रशिया भी अमेरिका के साथ था और हमारे और, और हमदर्दी कर रहे थे और इसमें यूनाइटेड नेशन ने एक जंग ऑथराइज की जिसके तहत नेटो के सारे मुल्क मिल के यानि तकरीबन कहा जाता है कि कोई तकरीबन फोटी नाइन या फिफ्टी के करीब कंट्रीज़ थे जो अमरीका के साथ मिल के तो अफ़गानिस्तान में जंग के लिए दाखिल हुए तो अगर पाकिस्तान इस जंग से उस वक़्त ऐलान करता कि हम इसका हिस्सा नहीं बने तो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कहाँ जाते पाकिस्तान को वहाँ से तमाम होस्टाइल पावर्स दुनिया की उस वक्त टारगेट कर रही थी पैंतालीस के करीब मुख्तलफ ममालिक जो थे वो अफगानिस्तान में पहुँच के और पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे और भारत तो उसमें शामिल था जो कि एक हाइब्रिड वॉर बाहर से भी चलाई गई और अंदर से भी अंदर हमारे ना सिर्फ हमारे लिबरल्स बाज़ हमारे जर्नलिस्ट बाज़ पॉलिटिकल लीडर्स वो अपने मकासद के लिए एक अंदरूनी तौर पे भी एक हाइब्रिड वॉर चलाते रहे और उस ज़माने में भी बाज़ जजेज़ ने इस पर रिमार्क्स दिए और इस पर इसके बारे में नेगेटिव रोल प्ले किया उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव रोल जो है वो ख़ुद पशावर हाईकोर्ट का है जो कि दहशत गर्दों को छोड़ता रहा जो दहशत गर्द आर्मी या आई एस आई पकड़ती थी उनको वो छोड़ते रहे फिर यहाँ पर सिर्फ यही नहीं हुआ इससे इसी इसी दौरान जस्टिस इफ्तार चौधरी ने लाल मस्जिद के तमाम वो हजरात जिन पर दहशत गर्दी के मुकदमे थे जिन्होंने आर्मी ऑफिसर्स मारे उनको भी उन्होंने बरी कर दिया सिर्फ इसलिए कि मुशरफ के साथ उनकी खारबाजी थी दुश्मनी थी तो इफ्तार चौधरी से कौन पूछेगा आईएसआई के बारे में बात हुई आईएसआई ने कभी अपने बारे में खुद ऐलान नहीं किया कि हम दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी या आईएसआई ने कभी क्लेम नहीं किया ये दुनिया बात करती है लोग मुख्तलिफ तबका जो है वह उस पर अपने राय देता है या बात करते हैं लेकिन एक चीज हकीकत है कि आई ने पाकिस्तान को उन होस्टाइल या उन वतों से जो दुश्मन कुवतें थीं उनसे बचाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जो कि वो क़वतें बरसरे पैकार थीं पाकिस्तान को टुकड़े करने टुकड़े टुकड़े करने में ये एक बहुत लंबी जंग थी और इसको खुद अमेरिका भी एक लॉन्ग वॉर का नाम दे रहा है बड़ी लंबी जंग की बात कर रहा है लेकिन ये जंग हमारी जहां आर्मी महाज पर लड़ रही थी महाज के पीछे यही जंग आईएसआई लड़ रही थी अगर पाकिस्तान एक 20 साल से जंग की हालत में था तो इस 20 साल में जुडिशरी ने कौन सा रोल ऐसा अदा किया है या वो जो प्रोसिक्यूशन उन्होंने की हो टेरिस की जो आर्मी और आईएसआई पकड़ के लाती रही क्या जजेस ने दहशतगर्दों के केस सुनने से इनकार नहीं किया कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे धमकियाँ मिली और जजेज़ ने केस सुनने से इनकार कर दिया फिर स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स क्रिएट किए गए और स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपनी जानों को ख़तरे में डालते हुए मुकदमा के मुकदमों के फ़ैसले किए धड़ाधड़ फैसले किए और फिर वही फ़ैसले थे जो कि रिव्यू के लिए सिविल कोर्ट्स में जाते रहे और वहाँ से अक्सर लोग बरी होते रहे कुछ के केसेस जो हैं वो अप्रूव भी होते रहे और बड़ी भी होते रहे लोग ये भी एक चीज़ है कि एक वक्त में जब ए पी एस का वाक़ हुआ तो उस वक्त पेशावर गैरिजन से सारे ट्रुफ्स जो हैं वो पूरी छौनी खाली थी लोग जा चुके थे तमाम आर्मी जो है वो वजीरस्तान में जा चुकी थी जरब अज़ ऑपरेशन के सिलसिले में पीछे बड़े थोड़े लोग थे जो जिन्होंने दफा किया लेकिन उसके बावजूद क्या इन अठारह सालों में इस वाक्य के बाद कोई और भी ऐसा वाक्य हुआ ये हमें देखना चाहिए सोचना चाहिए कि कितने सिविलियन कितने हमारे फौजी जवान कितने हमारे रेंजर्स पुलिस के ऑफिसर्स इन्होंने शहादतें पेश किं इस दौरान में लेकिन हम क्या अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप से जाके सवाल करें कि इनकी जाने क्यों गई ये तो एक फ़र्ज़ था जो निभाना था निभाया गया बेहतरीन तरीके से क्या इसके नतीजे में आज अगर सवाल कोई करे तो उसको सोचना चाहिए देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान उसके नतीजे में आज पुरान नहीं है ये वही जानों का नजराना है जो अफवाज पाकिस्तान ने दिया जो आपकी आर्मी आपकी पुलिस ने दिया आपके रेंजर्स ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी इस काम में मुलव रहीं इस काम में मसरूफ़ रहीं और आज पाकिस्तान के माशाल्लाह तमाम बड़े शहर पुरमन हैं अगर इक्का दक्का को वाक़ होता है तो वो बॉर्डर एरियाज़ में होता है जहाँ आपकी आर्मी या आपकी जो जो सिविल सिविल आर्म फोर्स हैं वो मसरूफ़ हैं उन्हीं की कैल्टीज़ होती हैं लेकिन उन्होंने अपने हम वतनों को एक पुरमन माहौल मुहैया करने में जो कुछ भी हो सकता था वो किया आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया में इसको अप्रीश किया गया है पूरी दुनिया न सिर्फ अप्रीशेट करती है बल्कि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितनी कामयाब जंग पाकिस्तान की आर्मी और आई ने लड़ी है ये दुनिया में किसी और ने नहीं, नहीं लड़ी चुनाचे बेशुमारमालिक हैं जो कि हमसे सीखना चाहते हैं उनके लोग आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी इस जंग में ट्रेनिंग दी जाए ताकि हम भी मुकाबला कर सकें और ये सिर्फ़ वो नहीं ये दहशत गर्दी की जंग एक हाइब्रिड वॉर के माहौल में लड़ने का काम जहाँ आप देखते हैं कि ये आपके अपने लोग ही सबवर्ट हुए हुए वो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं आप देखिए कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी आज दुनिया में पहले पांच कम से कम दुनिया यह समझती है कि पहले पांच जो दुनिया की के अदारे हैं यह फौज और ये इंटेलिजेंस अदारे हैं पहले पांच में शामिल है लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारी जुडिशरी दुनिया में एक नंबर पर है क्यों ये है क्या चीफ जस्टिस को यह इंप्रूव करने का काम नहीं करना चाहिए क्या उनको ये एक नंबर पे खुश होना चाहिए इसका जवाब कौन देगा आप आर्मी और आईस को ओपनली अदालतों में बैठ के पब्लिकली रेडिक्यूल करते हैं टॉप जजेस इसके बारे में बात करते हैं और बड़ा लूज़ किस्म के रिमार्क्स पास करते हैं आर्मी के बारे में भी जबकि कभी उनको बुला के सुना नहीं गया जिससे आपको वजाहत हो कि वो चीज़ कैसे है लेकिन एक चीज़ लाजमन है कि आपके इन रिमार्क्स की वजह से जो आपकी अफवाज का आई एस आई का या आपके मुख्तलफ़ अदारों के का मोराल जो ख़राब होता है उनमें सर्व करने वाले लोग जो हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं जो बड़ी सख्ती झेलते हैं सर्दी गर्मी बारिश में वो आपकी सरहदों का दिफा करते हैं उन पर क्या गुज़रती है क्या ये रेडिक्यूल करना उनको आपको आइन इजाज़त देता है आइन पाकिस्तान तो ये इजाज़त नहीं देता पूरे पाकिस्तान में वकला ने तबाही मचाई हुई थी और मचाई है अब भी वकला जो जी चाहते हैं करते हैं जिसको चाहे पकड़ के मारने कोई पूछने वाला नहीं लेकिन क्या ये जुडिशरी नहीं इनको छुट्टी दी हुई है क्या जुडिशरी उनको इस्तेमाल कर रही है अपने मुफादात के लिए वाहिद एक केस जिसमें कि के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ और वो वकला जो थे वो चीफ़ जस्टिस के चैम्बर तक पहुंच गए तो वहां चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया लेकिन जो पब्लिक इस चित्रॉल वो करते हैं उसमें तो कभी किसी अदालत ने आप में से नोटिस नहीं लिया वो क्यों नहीं किया गया हर तरह का गैर काखलाकी माहौल पैदा किया हस्प हस्पतालों पर अटैक किए लॉयर्स ने लोग ऑक्सीजन वगैरह मुनका भी उससे मर गए लेकिन इस मुल्क में ना किसी ने नोटिस लेना था ना किसी ने पूछा फिर जब यह वाक्य हुआ उस वक़्त पी एम एल एन की हुकूमत थी और उस वक्त के वज़ी अज़म उस वक्त के वज़े दाखिला क्या उनको आपने बुला के पूछा उनसे ये सवालत किए जो आज आप उस गवर्नमेंट से कर रहे हैं जो कि वहाँ नहीं थी या फ़ौज से आप कर रहे हैं हमें इतना पता है कि आज दिन तक मॉडल टाउन में मारे जाने वाले लोगों के बारे में जुडिशरी ख़्वाब गफलत में है कोई सवाल किसी ने नहीं पूछा कोई सो मोटो नहीं हुआ किसी को ख्याल नहीं आया कि वो भी पाकिस्तान के लोग थे ना सिर्फ बेगुनाह थे उनको दहशत गर्दों ने नहीं उनको अपने ही लोगों ने मारा था उसका जवाब कौन देगा वो किसी भी अदालत को कभी ख्याल नहीं आया कि उनके बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए इसी तरह जो लाल मस्जिद के लोग छोड़े गए किसी को कभी ख्याल आया कि लाल मस्जिद के लोगों ने क्या किया था किस तरह उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह पे हमले किए और उनको मारा फिर जब रिटेलिएशन हुई तो सब ला सब जाके लाल मस्जिद के साथ खड़े हो गए सो ये भी एक सोचने की बात है फिर आपने देखा कि जस्टिस काजी काजीफाइज ईसा का केस था उसमें कितना ब्लटन्टली उनको दफा किया गया तमाम अखलाकियात को बाला ताक तमाम इंसाफ को और अखलाकियात को बाला ताक बाला ताक रखते हुए वो दिफा किया जजेस ने खुद इससे क्या इमेज गया क्या एक इतने बड़े हमारे होली इंस्टीट्यूशन के बारे में दुनिया ने क्या सोचा ऐसे ही तो नहीं कि ये जज हमारी जुडिशरी एक सौ नंबर पे आ गई ये ऐसे तो नहीं आ गई इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं जो रीजनल सिचुएशन है वो हमें पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करती है और अफ़ग़ानिस्तान बहुत अरसे से बड़ी क़वतों की कशमकश का मरकज़ बना हुआ है यहाँ पर बहुत कुछ हुआ जंगें भी हुई टेरिज़म भी हुआ सियासत भी हुई और यहाँ से अब अफवाज निकली अफवाज आई अफ़गानिस्तान में हमला किया तब भी पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट था निकली हैं तो तब भी पाकिस्तान का एक रोल और पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट है इसका क्या इन बदलते हालात में जबकि दुश्मन की क़तें सफारा हों आपके आपके सामने और अफगानिस्तान में बैठी हों तो इन हालात में बग़ैर सोचे समझे कोई ऑर्डर पास करना कोई रिमार्क देना मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें हमें एग्जैक्टिव पे छोड़ने चाहिए वो मुल्क के हाकम हैं उनके फ़ैसले हैं उन्होंने ये चीज़ें डील करनी हैं जिनको अगर क्वेश्चन किया जाएगा या जिनके ऊपर उनको अदालतों में खड़ा किया जाएगा तो वो कैसे फैसले कैसे करेंगे और मुल्क को चलाएँगे कैसे अब तालिबान ने अफगान तालिबान ने एक हुकूमत बना ली है पाकिस्तान को उनकी हुकूमत बन जाने के बाद ख़तरा काफ़ी कम हुए हैं और इन हालात में अगर पाकिस्तान की हुकूमत टी टी पी से कोई मजाकरात कर रही है अमन की खातर तो जुडिशरी को उस पर ऑब्जेक्ट इतराज़ करने की बजाय इसको पार्लियामेंट की तरफ छोड़ना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना मामला पार्लियामेंट में लेके जाए ताकि वहाँ पर इन पर फैसले हो सकें आपको याद होगा कि रिकॉर्डिक केस था जस्टिस इफ्तार चौधरी ने रिकोडिक के केस में सुमोटो मोटो के लेके और उसके बाद उसका जो फ़ैसला किया एक जुडिशल एक्टिविज्म अपना चलाया उसके बाद हमारे ऊपर छः से आठ बिलियन डॉलर का एक जुर्माना लग गया क्या मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तार चौधरी से ये रकम रिकवर करेगा जो उनके अपने इस उनकी अपनी इस कार्रवाई की वजह से आज पाकिस्तान की गर्दन पे पड़ी हुई है जो मुल्क छः बिलियन डॉलर के कर्जे के लिए मारा मारा फिर रहा है आईएमएफ के सामने उसके ऊपर अगर आठ बिलियन डॉलर का एक जुर्माना आयद कर दिया जाए तो वो मुल्क कहाँ जाएगा क्या वो मुल्क जिंदा रह सकता है हर मुल्क में जो रियासत की लीडरशिप होती है वो फैसले लेती है उनकी फैसलों की अपनी एक उनका अपना एक प्रोसीजर होता है फैसले करने का उनका एक तरीकाकार होता है और वो सारा कुछ उस वक्त के हालात की बुनियाद पे होता है जैसे हालात हैं जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं अगर टी टी से आज मुदाकर हैं तो इकानमी आपके बुरे हाल में है क्या आप स्टेबिलिटी देना नहीं चाहेंगे हुकूमत के सामने कई इशूज़ होंगे जिनकी बुनियाद पर वो बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं बाद में दो साल चार साल दस साल बाद उठ के बैठ के अगर मुस्व के फ़ैसलों को हाइंड साइट में उनको उनकी तनकीद शुरू कर दें तो मेरा ख़्याल है कि वो तनकीद जो है वो किसी भी सूरत में आ, वो वैलिड नहीं होगी उस तनकीद को कोई वक़र नहीं की जा सकती क्यों कि वो हालात से मावरा आप बिल्कुल उस वक्त की चीज़ों को बालायताक रख के कुछ नई कहानी लेके बैठ गए तो वो मेरा ख़्याल है कि वो दुरुस्त बात नहीं होगी हमें आज के दौर में जहाँ बेपनाह मुश्किल हैं जहाँ हमें अब अंदरूनी और बैरूनी ख़रा मौजूद हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इकानमी का बुरा हाल है वहाँ मेरा ख़्याल है कि तमाम अदारों को सूझ बूझ के साथ सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए आज के लिए इतना ही अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद